Now next part, fourth part, 192. Same method, prime factorization method. First by using the 2. 2 से सबसे पहले करेंगे हम. 2 9 जा 18. 1 और 2, 12. 2 6 जा 12. 2 से फिर से किया हमने. 2 4 जा 8. 1 remainder. 1 और 6, 16. 2 8 जा 16. 2 2 जा 4. 2 4 जा 8. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, and 2 6 जा, and 2 3 जा. तो हमने यहाँ सबसे पहले prime factor method use किया, अब हम check करेंगे. ये 2 हमारा 3 की grouping में है, और ये 2 भी हमारा 3 की grouping में है, but ये 3 हमारा single है, ये triplet form में नहीं है. It means 192 must be divided by 3. अगर हम इस 3 को यहां से रिमूव करें तब हमारा ये परफेक्ट क्यूब होगा. तो आंसर हमें यहीं से मिल गया. तो 192 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 3 की ग्रुपिंग हो गई. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये भी 3 की ग्रुपिंग है, लेकिन 3 हमारा सिंगल है. तो व्हाट इज द आंसर? 192 मस्ट बी divided by 3 to make it a perfect cube. So answer is 3. 192 if we divide by 3 तो हमें मिलेगा 64. और 64 किसका परफेक्ट क्यूब है? नाउ थिंक अबाउट इट.